जुई कनाल। किसान भाइयों, युवा साथियों, आज हम भिवानी जिले के बैल क्षेत्र में जहां जुई कैनाल का नए निर्माण का काम शुरू हुआ उसका किसानों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे और जब यहां निर्माण कार्य देखा जुई कैनाल का, बैरान के साथ लगते गांव लाडावास की सीमा में इस कैनाल का काम अभी चल रहा और लंबे समय से ये काम चल रहा है। पहले बड़दू धीरजा से इसकी शुरुआत हुई, पंप नंबर 6 से इसका निर्माण शुरू हुआ और ये आगे फिर शेरला, गरुआ, कई गांव तक फिर इसमें अलग अलग रजवाए हो जाते हैं। तो आज हम इसके निर्माण के ऊपर आपको बता रहे कि भाई जो पहले से ये कनाल बना हुआ था, चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये पूरा जाल बिछाया गया था और बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइलें 1972 के लगभग ये लगी थी, जिनको रिपेयरिंग करके भी इस कनाल को ठीक तरीके से चलाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि योजनाएं नहीं बनेंगी, प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो भ्रष्टाचार कैसे होगा। भ्रष्टाचार तो तभी होगा जब नई नई योजनाएं आएंगे और उसी की एक बानगी है जुई कैनाल का जो ये नया निर्माण हो रहा है वो। और इसमें उन टाइलों को उखाड़ करके कहां भेजा गया इस बात का कोई भी जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि जो कीमती टाइलें यहां बिछाई गई थी वो टाइलें कहां हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। और एक तरह से मैं शुरू में ही आपको ये बात कह रहा कि भाई सोना उखाड़ करके और नहरी विभाग पीतल लगाने का काम कर रहा है और ये साफ तौर पर किसानों के साथ धोखा है और भ्रष्टाचार का एक ये बड़ा मुद्दा है। हम आपको पूरे इससे कैनाल के निर्माण कार्य से आपको वाकिफ करवाएंगे। हमारे साथ ग्राम पंचायत के सम्माननीय सरपंच और दूसरे जो किसान हैं वो आप देख सकते हैं, सारे यहाँ उपस्थित हैं, काम सारा चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि ये कैनाल का जो काम है आप ये देख सकते हैं कि इसको प्लास्टर किया गया है दोनों तरफ से, उसके बाद इसके ऊपर ईंटें लगाई जाएंगी और आगे आगे हम सारा जो निर्माण कार्य है वो दिखा रहे हैं। जो इसके नियम है उसके अनुसार एक नंबर की ईंट लगनी चाहिए, 3:1 का मसाला लगना चाहिए, लेकिन धरातल पर कितना काम है वो सारा आपको हम दिखाएंगे और ग्रामीणों से और सरपंच साहब से भी इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलू कर दिया। तो साथियों आप देख सकते हैं ये सामने प्लास्टर है और किस तरह से थोड़ा पानी गिरने से भी ये प्लास्टर जो है इसमें से मसाला निकलता जा रहा है। ये 3:1 का मसाला बता रहे हैं, लेकिन ये लेकिन ये 3:1 का मसाला नहीं है। इस प्रकार के काम इस कैनाल में जो शुरुआती काम है वो हो रहे। जो ईंट लगाने की बात है कि एक नंबर की ईंट लगाई जा रही है, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्लास्टर का काम हो रहा है, किस तरह से 3:1 के मसाले के नाम पर घटिया स्तर का मटेरियल और मसाला लगाया जा रहा है। उसी तरह जो ईंट है वो ईंट आप देख सकते हो, एक नंबर की ईंट में आपको मुश्किल से ढूंढने से भी जो है ना खोरा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कितने अनगिनत जो है इसके अंदर खोरे हैं और ये 2 नंबर की, 1.5 नंबर की और 3 नंबर तक की जो है ईंटें हैं। और एक बार ये कैमरा इधर करके भी दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप ऐसा मटेरियल जो है वो लग रहा है। और यहाँ हमारे जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे, आप बताओ जी किस तरह की सामग्री यहाँ प्रयोग हो रही है। यहाँ सबसे घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग हो रही है, क्रेशर है वो बिल्कुल रेत मिट्टी जैसा है और वो भी सफ़ेद जो है वो खुद का इस ठेकेदार का जो है क्रेशर है वो अपने क्रेशर से माल ला करके यहाँ लगा रहा है लगा करके। और जो बेड बनाया जा रहा है नहर के ऊपर जो है 1 फुट का जो बेड बनाया जा रहा है, सिर्फ उसके अंदर क्या है मिट्टी और जीरो रोड़ी मिला करके और डाल दिया जाता है, उसको हाथ से भी उखाड़ोगे ना वो उखड़ जाएगा। इनका प्लास्टर
साथियों कैसे थूक से कान चेपे जा रहे हैं, किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस कैनाल के निर्माण में हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ये प्लास्टर लगा हुआ है यहाँ पे, साफ दिखाएंगे, नजदीक से दिखाएंगे इसको बिल्कुल। ये प्लास्टर है और इस ये प्लास्टर बन चुका है, ये देखिए आप, ये परत है मिट्टी के ऊपर। ये किस तरह से अभी, और इसके ऊपर फिर लिपाई की जा रही है नाम मात्र की लिपाई करके, और इस काम की इतिश्री की जा रही है, आप देख सकते हो चारों तरफ। और एक बार दोबारा दिखाएंगे, ये इस तरह से पैसे की बर्बादी, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नहरी विभाग, और ये जो जुई कनाल का जो निर्माण है ये पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। बना रहे हो आप ये मसाला, कितने का मसाला बना रहे हो? नहीं, कितने रेशियो बताओ, कितना है? 3:1 का। साथियों देख सकते हो चोरी और सीना जोरी, ये 3:1 का मसाला है। अगर इसको कोई भी 3:1 का मसाला साबित कर दे, इसके अंदर क्या क्या मिला है भाई बताओ, कौन कौन सा आपने डाला है इसमें, कितनी सीमेंट डाली है? नजदीक से लो भाई इसका इंटरव्यू भाई का है, एक कट्टा सीमेंट का गिरा। और नहीं, और क्या क्या है इसके अंदर? क्रेशर है, क्रेशर कितनी है इसमें? बगैर कुड्डा मिला है। तो साथियों आप जान देख सकते हो कि मसाला बनाने वाले को ये भी नहीं पता, और बचने से कितना हिचकिचा रहे हैं, और किस तरह से मिट्टी को जो है 3:1 का मसाले का नाम दिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की खुद के क्रेशर प्लांट से, ये बताएंगे हाँ, खुद के प्लांट है और वहां से रेत ले ला करता है, मिट्टी ले ला करके लगा रहा है, और ये मसाला बनाने वाला बोल रहा है, बोला मैंने तो मिला दिया कट्टा एक डाले है, मैंने न्यू नहीं पता पांच साड़ी क्या डाली है, क्या बोला 3:1 का है होगा। अब आपको आगे दिखा रहे हैं, ये मिस्त्री जो है यहाँ इस निर्माण के काम में लग रहे हैं। मिस्त्री जी कितने का मसाला लगा रहे हो आप, थोड़ा इधर मुंह करके बताओ, कितने का, जोर से बोलो, 3:1 का मसाला। और आपको सारा मटेरियल और हमने दिखाया है कि भाई इसको कोई भी 3:1 का मसाला साबित कर दे, हम इसके सैंपल भरवाने के लिए भी तैयार हैं कि ये 3:1 का मसाला नहीं है। और ये इनके काम करने के तरीके आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इसका प्लास्टर कैसे ये बेहतर के निर्माण के बाद आज तक जुई कैनाल बेकार नहीं हुई, लेकिन लूट करने के लिए दोबारा से इसका टेंडर दिया गया, उसके बावजूद ये कितना बड़ा किसानों के लिए रिस्क बनने वाला है उनकी फसल के लिए, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक नंबर की ईंट, ये एक नंबर की ईंट है, खोरे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, पट्ठों में से जो सबसे बेकार ईंट, जो बचा खुचा मेटीरियल होता है वो नहर के निर्माण में लगाया जा रहा है। एक मिनट रुको, ये बीबीआई चालू कर दी भाई, आप ये देख सकते हैं एक ईंट के ऊपर मार्का है बीबीआई, एक ईंट के ऊपर मार्का है डीबीसी, और भी कई तरह के मार्कों की यहाँ ईंटे हैं, और इनको आप नजदीक से दिखाइए, आपको ऐसा लगेगा ये ईंटे नहर में लगने वाली ईंटे हैं, निर्माण में अभी लगने वाली ईंटे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी गली से उखाड़ करके और ये ईंटे जो है यहाँ ले आई गई है। करेंगे रुको एक बार, ये कैनाल का दूसरा कोना है जिसमें निर्माण कार्य लगभग दिखाएंगे वहां तक, यहां तक पूरा हो चुका है, और ये प्लास्टर है, और किस तरह से ये उखड़ रहा है आप देख सकते हो, और क्या इसमें लगा होगा ये आप सबके सामने प्रैक्टिकल है। ये बना रखा है साइड में, ये मिट्टी देखो, इसके साथ में ये जो बेड है, एक मिनट रुकेंगे साहब, ये जो बेड
आप ये देखें, ये बेड बनाया गया है साथ में किनारे के ऊपर। ये जो ईंट यहाँ जो जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद ये बेड बनाया गया है। और इसका आप इधर आएंगे, इसमें कितना इसके अंदर मटेरियल लगा होगा ये आप देख सकते हो। ये पूरा बेड उखड़ चुका है और केवल थोड़ा सा जोर लगाने से, बहुत हल्का जोर लगाने से, और इसके अंदर कितनी ताकत है, पूरे की पूरी मिट्टी लगाई गई है। और इसके ऊपर हमारे जो सामने ग्रामीण युवा किसान खड़े हैं, इधर मेरे सामने खड़े हैं, ये इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं वो आकर के बताएंगे। क्या नाम है भाई आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बता भाई, क्या कहना चाहते हो आप इसके ऊपर? भाई इसके ऊपर ये कहना था, इसमें इधर देखो सामने देख करके, इसमें एक नंबर का माल लगाया जाए। ये किसानों के हानिकारक है जो माल लगाया है इसमें, ये नर टूटने से किसानों का नुकसान होगा और इसमें आगे जो काम चले वो एक ही नंबर नहीं, जो पीछे चल चुका है उसका क्या होना चाहिए? उसका तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक, और कौन बताओगा भाई? तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से जुई कैनाल के निर्माण में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। सोने की जगह पीतल भी नहीं, लोहा लगाया जा रहा है, और कैसे किसानों को कितनी बड़ी मुसीबत में डालने का काम नहरी विभाग कर रहा है। किसान को राम के भरोसे छोड़ रहा है। इसके अंदर खुली लूटपाट हुई है, चाहे वो प्लास्टर की बात हो, चाहे वो ईंटों की बात हो, चाहे वो मसाले की बात हो, चाहे वो बेड की बात हो, सारा हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। आज इसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन के जब ये बात संज्ञान में डाली तो भारतीय किसान यूनियन इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंची। यहां आने के उपरांत गांव के सरपंच को भी बुलाया गया, बहुत सारे ग्रामीण और किसान एकत्रित हुए, और हमने इस विभाग के JESDO और इस पूरे निर्माणकारी के जो ठेकेदार हैं उनसे फोन पर बातचीत की। आज हमारी ये सहमति बनी है सारों की कि भाई 48 घंटे के नोटिस के ऊपर इनकी इंक्वायरी और आगे के निर्माण में जो रूल है सरकार के, उसके अनुसार निर्माण शुरू नहीं हुआ तो फिर इसके साथ लगते बैरान के साथ साथ में लाडावास, भिदनोई, सेरला और इससे जुड़े हुए जितने भी गांव हैं उनकी पंचायत करके कड़ा फैसला लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। और सबसे बड़ी बात जो सरकार बात करती है ईमानदारी की, और जो सरकार चुनाव के समय में कहती घूम रही है कि एक बार फिर ईमानदार सरकार, अगर यही सरकार की ईमानदारी की वानगी है और सरकार की ईमानदारी देखनी हो तो जूही कैनाल के इस निर्माण कार्य पर आकर के देखिए, आपको पता लगेगा कि सरकार के अधिकारी और सरकार के संरक्षण में काम करने वाले लोग भ्रष्टाचार में कितने डूबे हुए हैं, आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन जन तक पहुँचाएँ कि कैसे निर्माण के अंदर, नहर निर्माण के अंदर भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है और कैसे किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही आपकी किसानों के इतने बहुत बड़ी आपका काम होगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय किसान।